नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इसको लेकर अब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और RJD नेता राबड़ी देवी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार के लिए किए गए बजट में ऐलान पर नाराजगी जताते हुए राबड़ी देवी ने कहा, जो बिहार को मिला है उससे कोई विकास नहीं होगा, झुंझुना है। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र में जो मांगा था वह उन्हें नहीं मिला। ऐसे में नीतीश कुमार को अब मोदी सरकार से हट जाना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन ने जमकर हंगामा किया। यह प्रदर्शन विशेष राज्य के दर्जे और अपराध के खिलाफ किया गया है। इसके अलावा नीतीश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते विपक्षी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने अपने बयान में कहा, बिहार में हत्या, लूट और डकैती हो रही है, लेकिन सरकार चुपचाप सब कुछ देख रही है। बजट में बिहार को झुंझुना पकड़ाया गया है। बिहार में बाढ़ पर अंकुश लगाने के लिए बजट में 11,500 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में कहा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में एक औद्योगिक नोड के विकास का समर्थन करेंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को प्रेरित करेगा। हम सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाओं के विकास का भी समर्थन करेंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर राजमार्ग, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा और 26,000 करोड़ रुपए में बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त 2-लेन पुल बनाए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से बिहार में विशेष राज्य की मांग उठती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में अब केंद्र सरकार ने बजट पेश करने के बाद बिहार के विशेष राज्य की दर्जे की मांग को ठुकरा दिया है, तो उसमें आने वाले समय में बिहार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तौर पर यहां सरकार बनती हुई देखी गई, NDA गठबंधन की सरकार बनी, और ऐसे में अब क्या वाकई NDA गठबंधन की सरकार डगमगाती हुई नजर आएगी? क्या नीतीश कुमार NDA गठबंधन से अलग होकर JDU के माध्यम से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? और क्या वाकई यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SBN 9 न्यूज।